सुंदर है बहुत ही, ये अंदर है अंदर। मैं पूरा हाउस बोट आपको विजिट कराता हूँ। चल, ये है दोस्तों हमारा रिसॉर्ट। अ वेरी गुड मॉर्निंग माई YouTube फैमिली, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पर। दोस्तों मैं हूँ पहलगाम में, और पहलगाम में दोस्तों रात में इतनी ज्यादा सर्दी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये है मेरी वाइफ, सामने खड़ी हुई है, ये बोलती है मुझसे फोटो खींच दो, पर मेरा ब्लैंकेट से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन कृपा हो सूरज देव की जो सामने प्रकट हुए, और एकदम से उनकी किरणें जब कमरे में पड़ी तो पूरा कमरा जो है आप देख सकते हो गर्म हो गया। पूरा रूम ये था मेरा पहलगाम का, और ये नीचे पूरा कालीन बिछा हुआ था, रूम बेड की तो हमने पूरा उबड़ खाबड़ कर रखा था। इतनी ज़्यादा सर्दी थी ना कि मैं भी सूरज के सामने बैठ गया थोड़ी देर गर्म होने के लिए, मैंने इनर भी पहन के बैठा हूँ, फिर गया मैं नहाने के लिए। दोस्तों चलिए, जब मैंने नहाने की शुरुआत की तो मैंने सोचा चलो उससे पहले आपको मैं अपना बाथरूम भी दिखा देता हूँ। ये था मेरा बाथरूम दोस्तों। इसकी छत जो थी ना दोस्तों ट्राइंगल शेप में थी, क्योंकि पता होगा पहलगाम में जब स्नो फॉल होता है ना तो पूरा बर्फ़ से ढक जाता है, तब और भी ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए उस शेप में बनाई जाती है। ये पूरा वॉशरूम है मेरा, पूरा मिरर लगा हुआ था, सिंक, ये वॉश बेसिन था, सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छा रूम था। बड़ा बाथरूम इतना बड़ा था मुझे ऐसा लग रहा था कमरे से। दोस्तों रेडियो के जब मैं रूम से बाहर निकला, ये मेरा रूम के बाहर का एरिया, इधर भी रूम है इधर भी रूम है, दोनों साइड रूम है। चलिए तैयार होके चलते हैं नाश्ता करने के लिए। दोस्तों जब हम लोग रेडियो के नीचे आ गए तो देखा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी रेडी था, तो हम लोगों ने भी अपना ब्रेकफास्ट ले लिया। देख सकते हो आप बफे में पूरा ब्रेकफास्ट लगा रहता है। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए छोले भटूरे लिए, और दूसरी प्लेट में मैंने एग, उपमा और ब्रेड लिया, आराम से मैंने खाया। बाकी सब भी देख सकते हो आप लोग खा रहे हैं, अंकल वगैरह हैं, आंटीज हैं इधर, और भैया लोग हैं, सब लोग खा रहे हैं क्योंकि सबको रेडी होना है और उसके बाद अपने अपने टूर पे अपने अपनी जगह पर निकलना है। कोई सोनमर्ग जा रहा है, कोई गुलमर्ग जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, तो चलिए खा लेते हैं आराम से और निकलते हैं। ये है दोस्तों हमारा रिसॉर्ट, देख सकते हो यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे, इसका गार्डन और पूरा होटल वहाँ, येलो वाली टंकी के जस्ट नीचे हमारा था रूम, और इसके जस्ट पीछे से जो नदी बह रही थी वो है ये, देख सकते हो आप, वहाँ भी पानी यहाँ भी पानी, पूरा पानी फ्लो हो रहा है, पर इतना ठंडा पानी है ना ये कि आप ना तो इसमें पैर डाल के बैठ सकते हो ना ही कुछ और। तो इसीलिए दोस्तों इसका नाम था रिवर साइड रिसॉर्ट दोस्तों, क्योंकि जस्ट पीछे इसके नदी थी, और इसका जो लोकेशन था वो भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया। अब समय आ चुका है इसको अलविदा कहने का और अपने अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचने का। तो हम लोगों ने फाइनली होटल को किया चेकआउट और निकल चुके अपने अगले डेस्टिनेशन पर। दोस्तों होटल का व्यू मैंने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि डे वन में जब मैं उधमपुर से पहलगाम आया था तो सबसे पहले मैं आरू वैली गया था। ये वही रास्ता है आरू वैली जाने का दोस्तों, देख सकते हो आप लोग, मैं आरू वैली के कुछ क्लिप्स हैं वो ऐड किए थे, क्योंकि आरू वैली से वापस जाते टाइम मैंने होटल का नाइट व्यू आपको पूरा दिखा दिया था, जिसमें खाना वगैरह खाया था और नाइट में कैसा था रिसॉर्ट पूरा मेरा, वही चीज़ मैंने आपको सुबह का नहीं दिखाया था। तो आज मैंने वीडियो में स्टार्टिंग वहीं से की, और डे वन मैंने जो आरू वैली कंप्लीट किया था वो ख़त्म होता है और यहाँ से मेरा डे टू स्टार्ट होता है। यहाँ पर दोस्तों मेरे डे टू की शुरुआत हुई बेताब वैली के साथ, जो कि बहुत ही सुंदर वैली थी। इनफैक्ट आरू वैली से ज़्यादा सुंदर बेताब वैली लगा मुझे, और इन सारे वैलीज़ के जो फुल वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर उनकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, और अगर आपको ऊपर देख सकते हैं आई बटन का आ रहा है वहाँ पे प्रेस करके भी आप फुल वीडियो देख सकते हैं पूरे बेताब वैली का। और इसके बाद जब मैंने बेताब वैली पूरा घूमा मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके बाद मैंने कवर किया।
मिनी स्विट्जरलैंड को। ये था मिनी स्विट्जरलैंड दोस्तों पहलगाम के अंदर, जिसको बोला जाता है वाइसरन वैली, और ये भी बहुत सुंदर थी। इसके लिए आपको पोनी राइड की जरूरत पड़ती है, मतलब घोड़े की, घोड़े पे बैठ के ही ऊपर जाना पड़ता है वाइसरन वैली के लिए, जो कि एक अलग ही एडवेंचर हो जाता है, मज़ेदार मज़ा आ जाता है, क्योंकि पोनी राइड में भी मज़ा आता है और जैसे ही आप ऊपर पहुंचते हो यहाँ का व्यू देख के भी आपको अलग ही मज़ा आता है। इसका भी पूरा का पूरा फुल लेंथ वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से जाके देख सकते हो। और इसी के साथ मैंने टाटा बाय बाय करता हूँ मैं इस पहलगाम को, और निकल पड़ता हूँ अपने श्रीनगर के लिए दोस्तों। तो दोस्तों श्रीनगर जाते टाइम रास्ते में पड़ता है पंपोर नामक जगह, जो केसर की खेती के लिए है फेमस। यही वो जगह है जहां पर 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में केसर होता है और पूरे कश्मीर में कहीं भी नहीं होता है। क्या है खास, आइए जानते हैं। तो दोस्तों भैया हम लोग के सामने आ चुके हैं, देखिए केसर भी कितना सारा लेके आई। ये है असली केसर। केसर की पहचान कैसे की जाती है, असली केसर कैसा है, चलिए जानते हैं भैया से। लगेगा नमकीन लगेगा, वो ओरिजिनल नहीं होता है। दूसरी ये कड़वा होता है। दूसरी बात है केसर को जब हम पानी में डालेंगे ये होता है लाल कलर, लेकिन ये अपना कलर येलो देता है। अच्छा, जो केसर तुरंत अपना कलर देगा एकदम से, वो ओरिजिनल नहीं होगा। ऑरिजिनल केसर जो होता है वो अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे से छोड़ता रहता है, और इसकी जो पेटल है ये गलेगी नहीं। अच्छा, हाँ ये ऐसे ही रहती है, ऐसे रिजल्ट है, हाँ ऐसी बने कलर देती रहेगी, कलर देती रहेगी, और ऐसे ये बिखरेगी नहीं, गलेगी नहीं, ठीक है। और केसर को कभी फ्रिज में नहीं रखना, इसमें एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो मॉइस्चर पकड़ लेता है और पलट सकता है, खराब हो सकता है फ्रिज। अच्छा, फ्रिज के बाहर रखो रूम टेम्परेचर में 10 साल 15 साल 20 साल तक कुछ नहीं होगा। छोटी सी बॉक्स में रखो, चलते हैं। इसकी पैकिंग जो होती है मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसी होती है इसकी पैकिंग, इसमें रख लो 10 साल 20 साल 25 साल तक कुछ नहीं होगा इसमें। बाकी यहाँ के ड्राई फ्रूट से ये है शाही अखरूट। तो दोस्तों केसर की और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करने के बाद पहुंचे हम लोग श्रीनगर। देख सकते हो आप लोग, ये सामने है डल लेक, जहां पर सामने जितनी भी कलरफुल दिख रही है वो सब बोट हाउस है, और आज का स्टे हमारा यहीं पे है बोट हाउस में। कौन सी बोट हाउस है, कैसी है, सारी चीज़ें बताऊंगा उसके बारे में भी आगे वीडियो पे, बने रहिए। चलते हैं पहले अपनी बोट हाउस पे। अभी सही नहीं आ रहा इस पे। ठीक है ओके, ठीक, दोस्तों आ चुके हैं हम लोग। अब है ये है हमारा शिकारा, अभी हम लोग जा रहे हैं अपने हाउस बोट पे, और थोड़ा लेट हो गए तो रात हो गई है। आपको सारी चीज़ें कल दिखाएंगे हम लोग जब सुबह रेडी होकर निकलेंगे राइड पे, या जब राइड करेंगे तब। फिलहाल चलते हैं सीधा अपने हाउस बोट पे, फिर मिलते हैं आपको वहीं पहुँच के। चलिए थोड़ा थोड़ा नज़ारा तो दिखाई दो, थोड़ा थोड़ा नज़ारा दिखाएंगे, ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों हम लोग जैसे कि मैं आपको बताया अभी आ चुके हैं हम लोग अपनी हाउस बोट पे, और ये है श्रीनगर की फेमस हाउस बोट, जो कि लेक के अंदर बनी हुई है सारी की सारी। और जैसे कि मैं आया था आपको रास्ते में दिखाई थी, बहुत सारी लाइन से बनी हुई थी, वही ये सारी हाउस बोट्स हैं। मेरी जो हाउस बोट है वो आप देख सकते हो मेरे पीछे, कितनी सुंदर है, बहुत ही ये अंदर है अंदर।
मैं पूरा हाउस बोट आपको विजिट कराता हूँ, चलिए अंदर चल के बिना सीधी किसी टाइम वेस्ट किए। और हाँ, आप हमारे वीडियोस देख रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो यहाँ के बारे में, सितंबर मंथ में अगर कोई आने का प्लान बना रहा है या आगे भी अक्टूबर में या नवंबर बना रहा है, तो वो मुझसे पूछ सकता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, कैसे क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, क्या रेट्स हैं अभी प्रेजेंट में, एट अ प्रेजेंट टाइम क्या रेट्स चल रहे हैं, कहाँ सही कहाँ नहीं, सारी चीज़ें बता दूंगा। कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा।